हम आज की कक्षा में देखेंगे NCERT क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जो भी नंबर हमें गिवन है उसका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट, इस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड करना है। जो भी क्वेश्चन दे रखा है हम सबके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किसका स्टार्ट करते हैं, 140 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 140। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिसका भी हम भाग देंगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, अभाज्य नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अर्थात अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब कैसे नंबर है, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2 का चेक करेंगे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो इसके अंदर किसका भाग जाता है, 2 का। तो हम इसके अंदर किसका डिवाइड देंगे, 2 का। जैसे ही डिवाइड देंगे हमें 2 7 14 70 आ गया। फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है 35। अब जो 35 है इसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो दूसरा नंबर कौन सा लेंगे, 3। 3 के लिए क्या होना चाहिए, जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। यहाँ से जोड़ने पर आ रहा है 5 + 3 = 8, तो 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगला नंबर किसका आता है, 5 का। 5 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 0 या 5, तो इसका इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 7 = 35, यहाँ से 7 का 7 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया, 140 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। चेक कैसे करेंगे सही है या गलत, अगर इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 140। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 7 = 140। तो हमारा फर्स्ट प्राइम फैक्टर हो गया है। सेकंड सॉल्व करते हैं, 156 में सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा, 156 के लास्ट में 6, इसलिए सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 = 14। फिर 1 बचेगा, 2 8 = 16। फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 3 = 6, 1 बचा, 2 9 = 18। अब लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 3 का, क्यों, क्योंकि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12। तो हम जैसे ही 3 का डिवाइड देंगे हमारे पास आ जाएगा 3 1 = 3, 3 3 = 9। और 13 क्या एक प्राइम नंबर है, तो किसका भाग जाएगा, 13 का ही भाग जाएगा। तो हमारे पास 156 के क्या आ गए फैक्टर, 156 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3 × 30, हो गए सोल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3825। इसकी जैसे ही फैक्टर करेंगे, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग नहीं जा रहा। 3 से चेक करेंगे, 8 9 10 11 12 13 5 18, तो किसका भाग चला जाएगा, 3 का। 3 × 3 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 21 3 × 5 = 15। फिर से चेक करेंगे, 3 का भाग चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 × 1 = 3 7 10 और 5 = 15 हो रहे हैं, इसलिए 3 का भाग चला जाएगा, 3 × 4 = 12 3 × 2 = 6। अब हो रहे हैं 4 2 6 5 11, तो 3 से भाग नहीं जा रहा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 लेंगे, जैसे ही 5 प्राइम नंबर का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 5 8 = 40, 2 = 5 5 = 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 1 5 3 = 5 7 2 35, 17 1 17, तो 3825 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5005, ये मैंने लिखा 5005, सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 5 का। सबसे पहले किसका भाग गया, 5 का गया, कितना आया भाग देने पर, आया हमारा 1005। डिवाइड देने पर कितना आया, 1001001। अब 1001 में 5 का तो भाग नहीं जा रहा, अगला नंबर क्या होता है, 7। 7 का भाग इसमें देके देखेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 7 3 7 4 28 2 5 7 21, 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितने आंसर आएंगे, 143।
अब ये सात से डिविजिबल नहीं है, सात से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, सात के बाद ग्यारह, तो ग्यारह का भाग देते हैं, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह तिया तैतीस, अब तेरह का जाएगा तेरह एकम तेरह, तो जो 5530 की प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए 5 × 7 × 11 × 13। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो दे रखा है 7429। इसमें चेक करेंगे सबसे पहले किसका भाग जाएगा, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। थ्री का जा रहा है, थ्री का चेक करते हैं तो 7, 2, 9, 9, 18, 4, 22, 3 का भी नहीं जा रहा, लास्ट में 5 नहीं है इसलिए 5 का भी नहीं जा रहा। सात का चेक करते हैं तो 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा, किसका जाएगा इसमें 17 का, 17 का भाग देंगे, 17 × 68 6 बचा, 17 × 51 बच गई 11, 17 × 7 = 119 437 आया। अब इसमें 17 का भाग नहीं जा रहा, इसमें किसका जा रहा है 19 का, 19 × 38 बच गए 5, 19 × 57 23 एक प्राइम नंबर है तो किसका भाग जाएगा, 23 का ही भाग जाएगा, तो हम जैसे इसके फैक्टर लिखेंगे कितने आ जाएंगे, 7429 के जो फैक्टर वो होंगे 17 × 19 × 23, ये इसके क्या आ गए प्राइम फैक्टर आ गए। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।